नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप मध्य प्रदेश रीजन से हैं और आपने FCI का फॉर्म डाला हुआ है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, तो ही आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपके लिए ये वीडियो कोई भी यूज़फुल वे नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपने FCI का फॉर्म डाला है तो आपके लिए खुशखबरी, आपका जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था वो उस एग्ज़ाम के री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 1 अप्रैल से कंडक्ट करानी है। ठीक है, अब उस एग्ज़ाम को, उस एडमिट कार्ड को आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, MP वालों के लिए स्पेशली ये है, और जिन रीजन के लिए और रीजन्स के लिए इस पर हम दूसरा वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, तो वो उनमें भी देख सकते हैं किस रीजन के किस टाइम पे एग्जाम होने वाले हैं और कैसे उनको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले MP वालों से कहना चाहूँगा, आप देखते रहिए, हम देखते हैं किस तरीके से आपको अपने मोबाइल के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। 1 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं उस मोबाइल को खोलिएगा, उसमें आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करूँगा, क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक टैब निकालना है, उस टैब में लिखना है आपको FCIMPAPPLY.com, यहाँ लिखा हुआ है FCIMPApply.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है FCI के लिए, MP वालों के लिए। ठीक है, हर एक रीजन की अलग वेबसाइट होती है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक व्यू ओपन होगा, इसमें देखते हैं ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की FCI की मध्य प्रदेश रीजन की वेबसाइट है, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, और नीचे जाएंगे तो देख आपको यहाँ मिलेगा लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड शेड्यूल हेड द 1/4/2018 1 अप्रैल 2008 को। आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली, इस पर आप क्लिक करेंगे, माफी चाहूंगा इस पर क्लिक नहीं करना, ये इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूज है। क्लिक कहाँ करना है वो देखेंगे, ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर देखते हैं, ऊपर एप्लीकेशन लॉगिन, एप्लीकेंट लॉगिन लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। इसको ओपन होने देते हैं। इसको ओपन होने देने के बाद यहाँ पर आपको अपना लॉगिन ऑप्शन भरना है। यहाँ पर आपको यहाँ भरना है आपका जो लॉगिन ऑप्शन, मतलब कौन से वाले पोस्ट पर डाउनलोड किया था आपने, और यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको कैप्चा करना है। मैं सारी डिटेल फिल करूँगा, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं लॉगिन करने के बाद आपको ये देख सकेगी आप। अब देख सकते हैं यहाँ पे फिल कर लिया गया है 25 48 27 रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैप्चा, कैप्चा जैसे जे कैपिटल है जे कैपिटल ही बनाएंगे, GB कैपिटल जो कैपिटल है उसको कैपिटल बनाना है, जो स्मॉल है उसे स्मॉल बनाना। ऊपर वाले टैब में देखेंगे सिलेक्ट लॉगिन ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कैसे लॉगिन करना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से या रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। तो पासवर्ड के यहाँ पर नहीं है ज़रूरत, अपन डेट ऑफ बर्थ से ही अपन ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डेट ऑफ बर्थ लिख के आती है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दी जाएगी, देखिए। उसके बाद स्लैश का ऑप्शन था, आप देख सकते हैं 16/03/994, ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे। अब आपको मैं बताऊंगा रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलता है, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पे आपको रिसिप्ट मिली होगी, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भी मेल कर दिया गया होगा, या फिर आपके मोबाइल पर SMS द्वारा विभाग द्वारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल किया होगा। कहीं से भी, 3 जगहों में से कहीं से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालिएगा, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, और नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड ओपन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट नहीं करना, यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड, अपन को डाउनलोड एडमिट कार्ड करना है। इस वाले, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें देखते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है। चलिए देखिए कॉल लेटर डाउनलोड हो चुका है, ये ओपन भी हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो प्रेजेंटेशन में सब कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अपनी क्वेरीज को कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और आपको अगर जानना चाहते हैं किसी और रीजन से, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले हैं, उस पर आप अपने नेक्स्ट रीजन के डेट ऑफ बर्थ, सॉरी एग्जाम के डेट के बारे में जान सकें, कब एग्जाम होना है, किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें। जुड़े रहना चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।